तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक चॉपर के क्रैश हो गया है। चॉपर के क्रैश होने से 4 अफसरों के शहीद होने की खबर है। साथ ही देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ रह चुके जनरल बिपिन रावत भी इस चॉपर में सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत कई अन्य सैन्य अधिकारी चॉपर में मौजूद थे। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। हादसे में 4 अधिकारियों की मौत हो गई है जबकि 3 की हालत गंभीर है। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी की हालत के बारे में कोई अपडेट सेना की ओर से नहीं दिया गया है। न्यूज़ डेस्क।